गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, वेलकम बैक साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट योर यूनिट टेस्ट वन इज़ अबाउट टू कम। नाउ आई एम गिविंग यू रिविजन ऑफ चैप्टर वन, सो ओपन योर बुक। फर्स्ट चैप्टर इज फूड वी ईट। स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड वॉच इन योर बुक। हेयर यू कैन सी, लेट्स वार्म अप। गिविन बिलो ए पिक्चर ऑफ डिफरेंट फूड्स। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खानों की पिक्चर दी गई है। बच्चों, पुट द फूड इन द करेक्ट कैटेगरीज गिविन बिलो, जो आपको सही कैटेगरी में रखनी है, जो कि आपने पहले भी भर रखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, फूड आइटम्स दैट नीड टू बी कुक, जिनको पका कर खाया जाता है, उसमें आता है कैटेगरी में पल्सेस व्हीट। फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन फॉर कुकिंग, जो उसके बाद पकाने के बाद खाते हैं, फिश चिकन। फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन रॉ, कुकुम्बर कैरेट। एंड फूड आइटम्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, दैट इज वेजिटेबल फ्रूट्स। फूड आइटम्स ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स, इट इज एग एंड मिल्क। नाउ यू सी, रीड ऑन। You must have experienced that you have started hungry if you don't eat food for a long time। कभी कभी बच्चों, आपको ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक जब आपको खाना नहीं मिलता है, तो आपको अपने अंदर बहुत सी कमजोरी महसूस करते हैं, है ना, भूखा महसूस करते हैं जब कुछ खाने को नहीं मिलता। Sometimes you feel also weak and tired, और आपको कैसे महसूस होता है, कमज़ोर और थकान सी महसूस होती है ना। Remember, food is essential for the body because it gives us energy, help us to grow। जो खाना होता है बच्चों, ये याद रखो, इतना आवश्यक चीज़ होती है जो कि हमारे शरीर को ताकत देती है और हमें ग्रोथ करने में हेल्प करती है और हमें बीमारियों से बचाती है और हमें स्वस्थ भी रखती है। वेरी ऑफन ये बहुत कम होता है बच्चों। चिल्ड्रंस हु डोंट ईट एडुकेट फूड फॉल सिक, जो पूरा प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं वो बच्चों बीमार पड़ जाते हैं। द फूड यू ईट कंटेंट्स यूजफुल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जो खाने में हम जितने प्रकार के पदार्थ लेते हैं, पौष्टिक तत्व होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पौष्टिक तत्व। योर बॉडी रिक्वायर्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, आपकी बॉडी को विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अनेक प्रकार के तत्वों की ज़रूरत होती है। नाउ न्यूट्रिएंट्स, अब हम यहाँ पढ़ेंगे पौष्टिक तत्व क्या होते हैं बच्चों। प्रोटीन्स टू ग्रो, इसमें आता है आपका पहले प्रोटीन्स, तो जो हमारी ग्रो यानी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प टू बिल्ड न्यू सेल्स इन योर बॉडी एंड रिपेयर्स द डैमेज सेल्स ऑफ योर बॉडी। तो बच्चों, ये जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, हमारी नई नई जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, उनको बिल्ड, उनका निर्माण करने में मदद करती हैं, और जो हमारी डैमेज, जो ख़राब हो चुकी हो सेल्स होती हैं ना, उनको पुनः दोबारा सही करने में हेल्प करती है। दे हेल्प यू टू ग्रो, जो हमें ग्रोथ करने में, हमारी हर तरह से ग्रोथ करने में हेल्प करता है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे शरीर की बिल्ड करने में, निर्माण करने में पौष्टिक तत्व कहे जाते हैं। मिल्क, चीज़, ये सारे एग्जांपल्स हैं। एग्स, नट्स, पल्सेज एंड फिश आर द रिसोर्स ऑफ प्रोटीन्स, यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो आपकी एनर्जी के लिए ज़रूरत होता है, उसमें आता है बच्चों शुगर, स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये होते हैं। दे प्रोवाइड यू एनर्जी टू वर्क, प्ले, स्टडी, ईटीसी, जो कि हमारे काम करने में, खेलने में और पढ़ने में मदद करते हैं। ए पर्सन हु डज ए लोट ऑफ फिजिकल लेबर आल्सो नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स, बच्चों जो आपने मजदूर देखे हैं ना, मेहनत करने वाले जो होते हैं, उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पोटैटो, बनाना, ब्रेड एंड राइस। फैट्स फॉर एनर्जी एंड वार्म्थ, जो बसा होता है वो हमारी एनर्जी और गर्म रखने को काम आता है। फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट आल्सो प्रोवाइड यू एनर्जी, फैट्स भी ऐसा होता है बच्चों जो हमारे शरीर में ताकत देता है। दे प्रोवाइड यू विद द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज दे ऑफ दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो बच्चों जो हमारे शरीर में दो डबल डबल करके ताकत पहुँचाने का काम करते हैं। फैट आर स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़, जो फैट होता है वो हमारे फ्यूचर के यूज़ के लिए भी स्टोर करता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन दैम इज़ यूज वैन द बॉडी डज नॉट गेट एनफ फूड टू ईट, कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे शरीर को पूरा खाना नहीं मिल पाता, तो ये स्टोर किया हुआ फैट ही जो हमें ताकत देता है। फैट आल्सो हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, वो फैट ही हमारे शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। ऑयल, बटर, घी आप लोग खाते हैं ना, ये आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट, ये सारे जो होते हैं तेल, मक्खन और घी, ये सारे फैट्स के आपके सोर्स हैं, इन सबसे हमें फैट्स मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, जो जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं, सारे हमको ताकत देने वाले पौष्टिक तत्व कहे जाते हैं। इसमें ऑयल, बटर, चीज़ और घी आता है बच्चों। विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर गुड हेल्थ, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स फॉर योर बॉडी रिक्वायर्स ओनली इन स्मॉल अमाउंट्स, कभी कभी ऐसा है विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, कभी कभी आप बहुत कम मात्रा में अपने शरीर के लिए लेते हो, तो येट दे आर एसेंशियल एज दे हेल्प यू
बॉडी टू वर्क प्रॉपरली एंड फाइट डिसीजेस। लेकिन बच्चों आपको पता है ये सारी चीज़ें आपको बीमारियों से लड़ने में भी हेल्प करते हैं। अगर आप लोग नहीं खाओगे तो आप बीमार हो जाते हो। दे आर आल्सो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, जो आपके रक्षात्मक पौष्टिक तत्व कहे जाते हैं। विटामिन ई कीप्स योर आइज एंड स्किन हेल्दी, विटामिन सी से बच्चों ऐसे आपकी आँखें और स्किन अच्छी रहती है। इसमें कैरेट और स्पिनेश आता है। विटामिन सी कीप्स योर गम्स हेल्दी, जो आपको बहुत स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसमें पीज, ऑरेंज और आंवला आता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, एग एंड मिल्क आर रिच इन विटामिन्स एंड आल्सो कंटेन सेवरल मिनरल्स। ये सारी जो होते हैं फल सब्जियां जो होती हैं, फिश और एग्स और दूध में बच्चों बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन होता है, जो आपके बहुत सारे तत्व रखे हुए होता है अपने अंदर, ठीक है ना। और जो कैल्शियम होता है इज एन एसेंशियल मिनरल्स टू फॉर्म हेल्दी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए और आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आयरन इज अनदर एसेंशियल मिनरल नीडेड फॉर मेकिंग ब्लड, और जो आयरन होता है वो आपके ब्लड बनाने में हेल्प करता है। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कैल्शियम एंड हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम मिनरल्स ऑफ आयरन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू ओपन पेज नंबर 10। वाटर एंड फेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर डेली डाइट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। पानी और जो रफीज होता है, जो आपके पौष्टिक तत्व जो होते हैं हमारे खाने में, जितने फाइबर होता है ना, उनको भरपूर मात्रा में मेंटेन करने में शामिल करना चाहिए। रफीज में क्या आता है बच्चों, रफीज इज फाइबर इन द फूड दैट यू ईट बट यू योर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। कभी कभी ऐसा होता है कुछ हम ऐसा खाना खा लेते हैं हैवी सा, जो हमारे खाने में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम योर बॉडी। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा खाना हमें पसंद नहीं, हमारा पचता नहीं है ना बच्चों, डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ ऐसे पदार्थों को खाना पड़ता है हमें, ताकि जिससे वो खाना डाइजेस्ट हो जाए और हमें उससे थोड़ा फ़ायदा भी हो। तो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड सलाद कंटेंट्स ए लॉट ऑफ फाइबर। तो ये सब चीज़ें हमें खानी पड़ती है अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है बच्चों। नाउ यू सी वाटर, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ योर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। आपको पता है कि आपका 2/3 बॉडी में पानी होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव। हम लोगों को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। योर बॉडी रिक्वायर्स वाटर बिकॉज, अब ये कुछ पॉइंट है जो आपको पानी की जरूरत होती है आपकी बॉडी को। पहला पॉइंट है वाटर इज एसेंशियल फॉर डाइजेस्टिव फूड, खाना पचाने में आपका पानी हेल्प करता है बच्चों। सेकंड है वाटर हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम योर बॉडी, और पानी आपके शरीर से वेस्ट मटेरियल जो होता है पसीने के रूप में निकालने में हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और जो पानी ही होता है आपके शरीर का टेम्परेचर तापमान को भी कंट्रोल मेंटेन बनाए रखने में हेल्प करता है। नाउ यू कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इट इज़ द पिक्चर ऑफ फूड ग्रेन्स एंड ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल, यू कैन सी इट प्रॉपरली। नाउ बैलेंस्ड डाइट है आपकी, संतुलित आहार क्या होता है, ए डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद एडुकेट क्वांटिटीज ऑफ रफेज एंड वाटर इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। तो बच्चों आपके खाने में जितने भी सारे पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में और सही मात्रा में उपस्थित हों, जो खाना आप अच्छे से खाते हैं और आपका डाइट हो अच्छे से वो डाइजेस्टिव हो जाए, वो आपका एक संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहा जाता है। ए बैलेंस डाइट शुड कंटेन्स फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से एक संतुलित आहार का जो खाना होता है उसमें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं, लुक एट द फूड पिरामिड, ये आपका फूड पिरामिड दिया हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी द पिक्चर। इसमें पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स आर शोन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, यू नीड ए लॉट ऑफ देम। आप देख सकते हो यहाँ पे पिरामिड के एक लाइन में कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आप बहुत मात्रा में सब कुछ उसमें मिलता है सब खाने के आइटम में। दूसरा है यू नीड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड रफ प्रोटीन्स, उसमें है आपके फ्रूट्स फल और सब्जियाँ होती जिससे आपको प्रोटीन मिलता है। थर्ड पॉइंट है आपका यू शुड ईट द लीस्ट अमाउंट्स ऑफ फैट्स एंड सुगरी फूड्स, आपको भरपूर मात्रा में बसा वाली चीज़ें और जो शुगर वाली चीज़ें भी खानी चाहिए। दे आर शोन एट द नैरो एंड ऑफ द पिरामिड, और जो आपके सबसे ऊपर लिखे हुए नीचे लिखे हुए कैटेगरी में छोटी सी उसमें ये सारे उसके फूड सोर्सेस हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स डोंट नीड द सेम अमाउंट ऑफ फूड, कभी कभी ऐसा होता है कि सब आदमियों को हर तरह से इन चीज़ों खानों की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऐसे वैन यू आर यंग, जब आप लोग छोटे थे बच्चों, यू नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटीन्स टू ग्रो वेल, तब आपको क्या होता है ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है और बढ़ने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है ना बच्चों। दूसरा पॉइंट है ए लेबरर हु डज फिजिकल वर्क, तो बच्चों जो मजदूर होते हैं जो काम करने वाले होते हैं ना शरीर का मजबूती वाला, तो उन्हें नीड्स एनर्जी, उन्हें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है ना। ही शुड ईट मोर ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स, तो उनको ज़्यादा ही एनर्जी देने की चीज़ें खानी चाहिए।
थर्ड पॉइंट है ओल्डर पीपल आर नॉट वेरी एक्टिव एंड नीड्स लेस एनर्जी। आपने देखा ना जो बुजुर्ग होते हैं बूढ़े होते हैं आपकी दादी बाबा हैं तो वो जो ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहते ना बुढ़ापे में बच्चों, तो उनकी जो एनर्जी बहुत कम हो जाती है। रिमेंबर फूड इज प्रीसियस, बच्चों ये याद रखना खाना बहुत ज़रूरी होता है एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, कभी भी हम इस खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सर्व योर सेल्फ ओनली विद दैट मच फूड दैट यू कैन एंड योर बॉडी नीड्स, हमें केवल उतना ही खाना लेना चाहिए जितना आप सर्वाइव कर सको, जितना आप खाना खा सको, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। नेवर लीव फूड अनईटन ऑन योर प्लेट, कभी भी अपनी भी प्लेट में खाना जो है छोड़ना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके यूनिट टेस्ट में इससे बहुत हेल्प होगी। तो स्टूडेंट्स इट इज़ सफिशियंट इन दिस वीडियो, नाउ टेक केयर, बाय।